story of rock, domestic waste and the irrepressible need to create trails back across four decades when an unknown transport official decided to make sense of waste and grew his secret dream on a secluded patch of land in Chandigarh. When the secret was finally out, the few acres had grown an enchanting space from toil and talent. The rest is history. Of the administration not just legalizing the whole exercise but giving it wings and a sky to stretch itself out on. Sure enough, today, Rock Garden sweeps across 25 acres and embraces thousands of visitors. We decide to leaf through the story once again with the creator himself, the famed Nek Chand. And well, behind one of the most modern wonders of our times, he tosses a pretty simple story between us. आपका बचपन बढ़िया कला विलेज है पंजाब में, वहाँ बीता और उसके बाद गुरदासपुर में रहे आप। पैदा तो मैं एक गांव में हुआ था, उसका नाम बेरिया कला तहसील शकरगढ़ थी, जो अब पाकिस्तान में चली गई है। फिर मैं पार्टीशन के टाइम में इधर आ गए, फिर चंडीगढ़ में आ गया, तो अब चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं। चंडीगढ़ में आप किस साल में आए थे? 1951 में आया था। आपको लगता था कि बचपन में कि आपने जो इतना बड़ा ये रॉक गार्डन क्रिएट किया है, ऐसा ना, कुछ होगा आपकी जिंदगी में? ना ना, ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं था, ना ही कभी मन में आया था। अच्छा, गाँव में तो ऐसे ही हम कभी जब खेला करते थे, मिट्टी रेते से खेलते थे, घर घर बना लेते थे। फिर जब उठना तो तोड़ फोड़ के आ जाने, वो मिट्टी रेते के होते थे। तो ऐसा तो कभी किया ही नहीं। वैसे ऐसे ऐसे शौक थे बचपन से ही मुझे। रॉक गार्डन से एकदम पहले की जो जिंदगी थी, आप जब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, आप रोड इंस्पेक्टर थे, उस वक्त की जिंदगी कैसी थी आपकी रॉक गार्डन से पहले? रॉक गार्डन से पहले तो यहाँ जब नया नया चंडीगढ़ शुरू हुआ तो उस वक्त तो यहाँ पे बड़े काम चलते थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, दिन रात भी काम चला करते थे। तो वो हम करते थे बड़े शौक से जी, तो काम से कभी घबराए नहीं आज तक। जब आपने ये सब चीजें इकट्ठा करना शुरू की, टूटे हुए कप, बिजली की तारें और बैंगल्स, आपको पहला पल याद है जब आपने पहली बार कोई चीज ऐसे उठा के सोचा हो कि अब मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ और इसके इसमें से कुछ क्रिएट करूंगा, वो पल याद है आपको? नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा। जब मैंने देखा कहीं कहीं वेस्ट पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वेस्ट वो उठा के यहाँ पे ढेर लगाना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में क्यों आया कि मैं इस वेस्ट को उठा के कुछ देखूंगा, वेस्ट से कुछ क्या बना सकता हूँ मैं, दिमाग में ये चल रहा है? हाँ, ये चल रहा था। तो फिर जब वेस्ट काफी सारी मेरे पास हो गई तो फिर उसके ऊपर मैंने आइडिया बनाया कि अब इससे कोई ऐसी चीज बना के देखूं। फिर उसके लिए स्टील चाहिए था जी, सरिया चाहिए था। फिर मैंने उन दिनों स्टील सरिया तो नहीं मिलता था मुझे, मगर साइकिल पार्ट्स बड़े होते थे जी, जो इधर उधर पड़े होते थे, कोई पूछता नहीं था उनको। तो वो मैंने साइकिल फ्रेम, मडगार्ड, साइकिल स्पोक्स, सारी चीजें यहाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं आइडिया बनाया पे अब साइकिल फ्रेम पे ही कुछ बना के देखता हूँ। फुल साइज साइकिल फ्रेम लिया। अच्छा। उसके ऊपर आइडिया बनाया, आसान रहता है ना आइडिया बनाना, कोई चीज बनी बनाई मिले, उसके ऊपर आइडिया बनाया। तो फिर उसको सीमेंट लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। लगा लगो के तो उसे मूर्ति बना दी, इसी तरह साइकिल मडगार्ड पे भी बना दी। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादातर साइकिल पार्ट्स ही मैंने इस्तेमाल किए थे, लोहा, साइकिल की गद्दियां भी अंदर इस वक्त भी लगी हुई है, मूर्तियां छोटी छोटी। अच्छा। तो ये करता रहा मैं लगभग 18 साल तक मैं बनाता रहा। शाम को 5 बजे के बाद आना। हाँ। फिर बनाना शुरू कर देना उसी हट में जो यहाँ आपकी पहली वो जो हट जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से आपने काम शुरू किया, उसके इर्द गिर्द बनाना। तो इसके पीछे ऐसा कोई इरादा नहीं कि ये ऐसा बन जाना या खुलना है, पर मैं बनाता रहा। दिन को मैं जॉब करता था, शाम को 5 बजे के बाद आता था, 4 घंटे डेली मिनिमम काम करता था मैं, कभी ज्यादा भी कर लेता था। तो आहिस्ता 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 काफी सारी मूर्तियां बन गई, जितनी आजकल डिस्प्ले पे है वो सब बनी हुई थी। तो फिर गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर गवर्नमेंट ने मुझे एड देनी शुरू कर दी, 75 की बात है ये। उसके बाद मैंने रास्ते रुस्ते बनाए तो डिस्प्ले किया इनका,
तो फिर गवर्नमेंट ने 76 में इस पब्लिक के लिए खोल दिया इसको। आपने सीक्रेट रखा हुआ था कि मैं ये कर रहा हूँ? नो नो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी फैमिली छुट्टियों में आती थी दिन को, अच्छा, शाम को डेली मैं काम करता था। अच्छा। तो करते रहे करते रहे, जब सरकार इसकी जंगल क्लियरेंस करने लगी, फिर उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी मूर्तियाँ मैं बनाई हुई, दरख्त लगाए हुए थे, यहाँ कोई दरख्त दरुख्त नहीं थे, और ये फ्लैट लैंड थी, सारी ऊंची नीची सारी बनाई गई। दरख्त भी आपने लगाए? हाँ, दरख्त भी, सारी प्लांटेशन भी अभी मैंने की यहाँ अकेले। कम से कम आज की डेट तक जब से लेके 50-60 हज़ार दरख्त लगा चुका हूँ। अपने वो एरियल व्यू एक फोटो है, उस पे प्लांटेशन हाँ, कितनी है। दरख्त भी आपने बस ऐसे ही लगाया? हाँ, आपको नहीं लगता पता ना, था ना, कि ये नहीं है कि ये वैरायटी लगानी है। हाँ। जो बीज मिल गया या कहीं बूटा लगा हुआ मिल गया सड़क के किनारे, ऐसे ही पड़े उग जाते हैं ना बूटे, वो उठा के लगा लिए, ऐसे करता रहा मैं। दरख्त लगाने के पीछे क्या वजह थी? वो इन्वायरमेंट में शामिल है ना जी, सुंदरता बढ़ती है दरख्त से के बाद, उसकी छाए में बैठ जाता आदमी, हरियाली लगती है। जब ये बन रहा था और जब गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज करने का वक्त आया, उस वक्त के दौरान ऐसे लोग भी होंगे जो आपके इस आइडिया को पूरी तरह से समझे होंगे और इंकरेज किया होगा, और ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि क्या है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई है आपकी? ऐसी तो बहुत आई हैं। कैसी प्रॉब्लम पे? ये ऐसे ही बेकार में टाइम ज़ाया किया, सरकार की जगह को ख़राब कर दिया, ये ऐसी ऐसी बातें फजूल सी करते थे। तो जो मेजॉरिटी में लोग जब देखने लग गए इसको जी, तो उनको ये अच्छा लगा, तो फिर मेजॉरिटी में उसके आगे माइनॉरिटी वाले कुछ नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट में भी अच्छे अफसर थे उन दिनों, उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। अच्छा, जिस दिन ये इनॉग्रेट हुआ था और जब ये बिल्कुल बन के तैयार हुआ, आपके मन में क्या चल रहा था, आपको क्या महसूस हो रहा था उस दिन, कुछ याद है आपको? मुझे ऐसी कोई बड़ी खुशी वाली बात नहीं महसूस होती थी। अच्छा। मन में ये था कि अच्छा हुआ सरकार ने रिकॉग्नाइज कर लिया। एक दिन आप एक कॉमन इंसान की तरह हो, फिर कुछ दिन बाद एकदम से आप एक नॉन सक्सेसफुल पर्सन बन गए? नहीं, ऐसे मैंने कभी सोचा ही नहीं जी। ऐसे कॉमन भी नहीं सोचा, नॉन भी नहीं सोचा। आप वैसे चलते रहे? अब भी नहीं मैं ऐसे सोचता जी। अब भी जैसे हूँ वैसे ही हूँ। आपके आसपास के लोगों में बदलाव आया? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हुई। जब शहर के लोगों ने आके देखना शुरू कर दिया तो अच्छा लगने लगा। फिर उनको भी ये पता लगा कि ये नेकचंद ने बनाया है जी। कई लोग मुझसे मिलते भी थे, जैसे अब भी मिलते हैं, तो कई नहीं मिलते थे, वो तो देख के चले जाते थे, टाइम नहीं होता था लोगों के पास। इन सब सालों में आप बहुत से बड़े बड़े लोग भी रॉक गार्डन देखने आए, इनमें से कुछ खास आपको याद है जो जिनकी मोहर आप पे अभी भी आपके दिमाग पे है? जितने बड़े बड़े लोग आए, पहले तो पंजाब गवर्नमेंट के सारे अफसरान चीफ मिनिस्टरों तक, उसके बाद फिर सेंटर में इंदिरा गांधी बहुत आया करती थी, तो और प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, अपने नारायणन साहब थे, और बाकी दूसरी स्टेट से भी लोग आने शुरू हो गए, से देखते ही रहते थे। उसके बाद जब ये खुल गया तो चर्चा हो गई, तो फिर सबसे पहले पेरिस से एक टीम आई, उन्होंने रॉक गार्डन देखा, फिर मुझे इनवाइट कर दिया उन्होंने, फिर मैं वहाँ पेरिस में गया। जो वहाँ के उस वक्त के मेयर थे मिस्टर चिराग, वो फिर प्रेसिडेंट भी रहे पेरिस के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वो वहाँ बनाया। उसके बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर से और इनविटेशन आनी शुरू हो गई, तो मैं जाना शुरू हो गया। हाँ। तो लोगों में चर्चा हो गई, तो रॉक गार्डन मशहूर होना शुरू हो गया। आप पहली बार इंडिया से बाहर कहाँ गए? पेरिस में गया था मैं, पेरिस में 1980 में। 1980 में जब वो आपको अवार्ड मिला था, आपको कैसा लगा इंडिया से बाहर जाके, और वहाँ के आर्किटेक्चर आर्ट को आपने देखा, आपको कैसा लगा? नई चीज थी उनके लिए, उनके मुल्क में वेस्ट बड़ी होती है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सीखा कि ये वेस्ट से बनाया हुआ है जी। तो हम भी अपने मुल्क में जो वेस्ट होती है इसे कुछ ना कुछ बनाएं। आपको कैसा लगा, आपको भारत से बाहर जाके अच्छा लगा? पहले तो मैं जाता नहीं था। हाँ। इनविटेशन भी दे गए, फिर मेरी मिसेज ने मुझे कहा नहीं तुम्हें जाना चाहिए। आप जाते क्यों नहीं थे? ऐसे ही मैं क्या लेना पंगे, आज क्या फंसना।
वहाँ जाके देखा, वहाँ की और किस्म की दुनिया थी। और किस्म की दुनिया मीन, जब मैं यहाँ 1980 में गया तो हमारे मुल्क में चंडीगढ़ में ही कोई कोई गाड़ी होती थी, आम लोगों के पास नहीं। तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो ढेरों के ढेर गाड़ियों के लगे हुए हैं, तो मैं हैरान हो गया, देखो हमारे मुल्क में गाड़ियाँ ही नहीं हैं इतनी। अब देखता हूँ तो उससे तो कई गुना हमारे मुल्क में गाड़ियाँ हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में एक मेरी घरवाली थी, एक मेरी लड़की थी, एक लड़का था। लड़का छोटा था, लड़की भी छोटी थी। तो आपके बच्चे अब क्या करते हैं? अब मेरी लड़की बड़ी थी, वो शादी हो गई, वो इंग्लैंड में रहती है। मेरा लड़का फार्म हाउसेस की लैंडस्केपिंग करता है दिल्ली गुड़गांव में। अच्छा। एक छोटी सी उसने फैक्ट्री लगा रखी है, स्टील से क्रू बनाता है। अच्छा। वो अपनी जो लैंडस्केपिंग करता है ना फार्म हाउसेस की, वो भी इसी पैटर्न पे ही करता है। सेम पैटर्न पे। उनको पसंद है ये। उसके आइडियाज भी मैं लेता हूँ कभी कभी, वो मुझे कहता है ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं मान जाता हूँ, कर लेता हूँ। कुछ फोटोज मैंने आपके ऑफिस में भी देखी है, MS रंधावा के साथ हैं काफी सारी फोटोज। आपकी उनके साथ क्या रिलेशनशिप थी और उन्होंने रॉक गार्डन के बारे में क्या कहा? रिलेशनशिप तो मेरे साथ ऐसी कोई थी नहीं, जब वो हमारे चीफ कमिश्नर भी थे तब भी नहीं कोई मेरी मुलाकात थी उनसे। मगर जब उनको रॉक गार्डन के बारे में पता चला तो उनसे सबसे पहले यही मुझे कहा, नेकचंद तो मैंने पहला नहीं दसिया भी, मतलब वे पहले बतलाता जब मैं चीफ कमिश्नर था तो ये मैं तेरे नाम ही सारी धरती लगा देता। अच्छा। वो ऐसा कर लिया करते थे। अच्छा। मैंने कहा जी मैं तो ऐसे ही नहीं बतलाया, ये है क्या, मैं वेस्ट वेस्ट का काम है तो आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। मगर उन्होंने ही इसका रॉक गार्डन नाम दिया पत्थर देख के। जब आप ये सब कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे सामान और बना रहे थे छोटी छोटी मूर्तियाँ, अनऑथोराइज्ड लैंड था ना शायद? अनऑथोराइज तो नहीं था मगर गवर्नमेंट लैंड थी। हाँ, गवर्नमेंट लैंड। तो मैं चूंकि PWD में नौकरी करता था, ये PWD की सारी लैंड थी, मुझे प्लानिंग का भी पता था। हाँ। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बननी है। हाँ। तो ऐसे ही मैं इसका इस्तेमाल करता रहा, ये सोच के भी मैंने कौन सा कोई इनक्रोचमेंट की है, नहीं लैंड अगर सरकार चाहेगी नहीं रखना तो ना रखे इसको। तो आपको हैरानी हुई जब सरकार ने एक्चुअली आपको ये लैंड दे दिया और इनकरेज किया और कहा कि हाँ? नहीं, हैरानगी तो मुझे कोई नहीं हुई जी। आपको लगता था कि ऐसा हो सकता है? ना ना ना, तो मैंने जब लैंड मिल गई मुझे अच्छा लगा, फिर अच्छा हुआ सरकार ने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर मैंने इसकी इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। रॉक गार्डन में अभी लेटेस्ट कोई आपके प्लान्स हैं, कोई और डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम? हो रही है जी, डेवलपमेंट तो हो रही है। क्या क्या? इसको आज की डेट में अभी हम